सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 10,000, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम, 256GB रोम मिलेगा और भी काफी तगड़े फीचर मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10,000 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना और आप अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से, न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यार पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है, और दोस्तों यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है, और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वही पे बात करें रैम रोम की, आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पर आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पर सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो, फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहता है बेस ब्रांड का, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है आईटेल की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस आईटेल S24, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस की बैक पैनल की कलर ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। हाँ दोस्तों, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात किया जाए इस डिवाइस की वेट की, तो यहाँ पे आपको 192 ग्राम वेट होने वाला है। डिवाइस की थिकनेस है 8.3mm। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाले। वहीं पे बात किया जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा विथ 480 निट पिक ब्राइटनेस। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 720x1612 पिक्सल रेजुलेशन। तो डिस्प्ले भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा है। वह मैं बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट, जो एक 4G चिपसेट है, मतलब ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम, 128GB रोम मिलेगा, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, जिसको चार्ज देगा 18W की फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों वहीं पे सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो इसकी सभी मेन फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी सभी छोटी मोटी फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 पर। हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 14 होता तो और भी अच्छा होता, पर बजट सेगमेंट के हिसाब से ये भी ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों
यही सब कुछ मिलने वाला इस डिवाइस पे। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ही ब्रांड मिलने वाला है 8GB 128GB, जिसके कारण टाइम पे प्राइस 11,000 आपको दिख रहा है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6, जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। और वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में, तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस, तो भी आप इस ब्रांड को बाय कर सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस आने वाला है इनफिनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 40i, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, उसके साथ साथ इस डिवाइस की वेट 190 ग्राम होने वाला है। डिवाइस काफी हल्का होगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, कैमरा मॉडल कुछ हद तक आईफोन जैसा होने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 480 की नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी दिया गया है। और दोस्तों उसकी बात एक हाइलाइटेड फीचर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसकी जो फ्रंट कैमरा वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा 8000 के अंदर, जो काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको फ्रंट और रियर दोनों पे ही फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक 4G चिपसेट। हाँ दोस्तों ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है, और ये प्रोसेसर एक बजट सेगमेंट की प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस ठीक ठाक सा है, आप थोड़ी बहुत गेम प्ले इस डिवाइस पे आप कर सकते हो। उसकी बात इस डिवाइस की सबसे हाइलाइटेड फीचर इसकी रैम रोम है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 8GB रैम और 256GB रोम, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे 8GB 256GB रोम कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा इनफिनिक्स के अलावा। बात करें इस डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिलता है, पर यहाँ पे आपको 18W की मिलने वाला, जो एक पॉजिटिव साइड है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट
स्क्रीन मिलेगा, उसके साथ साथ 3.5 mm जैक भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है 113 और एंड्रॉइड 13 OS पर। तो दोस्तों ये तो का इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी एक ही वेरिएंट इंडिया पे अवेलेबल है 8GB 256GB, तो उसकी कार्ड टाइम पे प्राइस 9200 है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। और डिस्काउंट की बात इसकी जो प्राइस वो 8200 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। आप अगर बजट सेगमेंट में एक डिवाइस लेना चाहते हो, ओवरऑल कैमरा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा, रैम रोम ज्यादा मिल जाए, तो इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। ओवरऑल सभी फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। दोस्तों डिवाइस की नाम है इनफिनिक्स नोट 12i। ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10,000 था, पर अभी ज्यादातर टाइम ये अंडर 7,000 ही रहता है। यहाँ पे आपको 1,000 या फिर 2,000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो सिर्फ इनफिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट विथ 1000 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस डिस्प्ले पे। और दोस्तों वही भी बात करें इसकी कैमरा की, तो इसकी कैमरा भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जब आपका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा, और उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 2K तक वीडियो को शूट कर सकते हो। और वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 2K पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W की फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अंडर 7000 पे कोई भी डिवाइस पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। पर्सनली ये मोबाइल मेरा फेवरेट है फीचर की वजह से। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4GB रैम एंड 64GB रोम। वही पे बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलेगा, जो बजट के हिसाब से काफी शानदार सा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करें इसकी नॉर्मल प्राइस की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी नॉर्मल प्राइस 8499 रुपीज है, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी प्राइस 6890 रुपीज है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है, ठीक है। तो आपको अगर एक 4G डिवाइस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके साथ जा सकते